बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस डिश का जमकर मजा उठाते हैं, क्योंकि है ही इतनी डिलीशियस। आज हम बनाएंगे क्विक, इजी, टेस्टी, सबकी फेवरेट चिली चीज टोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। चिली चीज टोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है होल व्हीट ब्रेड। आप कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड के ऊपर बटर को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अगर आपको गार्लिक फ्लेवर के साथ खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा गार्लिक बटर के साथ मिक्स कर ले, गार्लिक फ्लेवर वाला बन जाएगा। तो अब सबसे पहले एंट्री होगी चीज की, सबकी फेवरेट। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पिज्जा में डलने वाली मोजरेला चीज। चीज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखें, तभी खाने में मजा आएगा। कहने का मतलब ये है चीज दबा के डालने की, चीज डालने में नो कंजूसी। तो ये देखिए चीज मैंने अच्छे से डाल दी है। तो अब टॉपिंग्स की बारी। यहाँ पे लेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। देखिए कच्चे कॉर्न का इस्तेमाल ना करें। स्वीट कॉर्न को बॉइल करने के लिए आप माइक्रोवेव या तो फिर बॉइलिंग वाटर में बॉइल कर सकते हैं। और ये देखिए स्वीट कॉर्न भी अच्छे से डल चुके हैं। अब अगली टॉपिंग्स में हम लेंगे दो तरह की हरी और लाल शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ज़्यादा बड़ी शिमला मिर्च को ना डालें, वरना खाने में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे आप लाल वाली शिमला मिर्च की जगह लाल वाली गाजर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी डाल दिया है। इस डिश का नाम है चिली चीज टोस्ट। तो मिर्च तो बनती है, बारीक कटी हुई मिर्च डालेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें। जब भी मिर्च डालें, मिर्च के बीज को निकाल के डालिएगा, वरना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब आखिर में डालेंगे फ्रेश धनिया के पत्ते। ये देखिए सारी टॉपिंग्स अच्छे से डल चुकी है, लग रही ना एकदम कलरफुल। अभी इसमें सूखे मसाले डालने बाकी है, पर फिलहाल चिली चीज़ को टोस्ट करेंगे। तो अब चिली चीज़ को तवे पे टोस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है। फ्लेम को रखें मीडियम। अब डालेंगे एक टेबल स्पून जितना बटर। इस डिश का असली मज़ा बटर से ही आएगा, तो बटर का ही इस्तेमाल करें। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब चिली चीज़ को टोस्ट करने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे दूसरी स्लाइस भी बना के तैयार रखी है, वो भी मैं रख देता हूँ। अब क्या करेंगे, ब्रेड को नीचे से क्रिस्पी एंड ऊपर से चीज़ को मेल्ट करने के लिए ढक्कन को ढक देंगे और चिली चीज़ को अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए चिली चीज़ टोस्ट बनकर तैयार नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के सर्विंग प्लेट पे रख देंगे एंड इसको और फ्लेवरफुल बनाएंगे। अब इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए ऊपर से डालेंगे चाट मसाला। यहाँ पे आपके स्वाद अनुसार काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसी टोस्ट को इटालियन स्टाइल में सर्व करने के लिए ऊपर से चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे स्लाइस को दो या चार हिस्सों में कट कर सकते हैं। तो बस गर्मा गर्म चिली चीज़ टोस्ट बनकर तैयार है, आपके फेवरेट डिपिंग सॉस या केचप के साथ मज़े ले। मैं उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी से जुड़े अगर कोई भी सवाल या सजेशन हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिर मिलूंगा एक और नई जायकेदार रेसिपी के साथ। धन्यवाद।